नमस्कार विद्यार्थियों, सक्सेस होम ट्यूटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम सूर्य के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस सेशन में देखेंगे, तो लिसन केयरफुली एंड पे अटेंशन। नाउ आई एम स्टार्टिंग माय सेशन। तो सौर मंडल का मुखिया जो है वो सूर्य को माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर देख रहे हैं। सौर मंडल के समस्त ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत कौन है? सूर्य है। सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संचयन के कारण उत्पन्न होती है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है। सूर्य एक विशाल तारा है। भार की दृष्टि से सूर्य पृथ्वी से 3,30,000 गुना भारी है, यानी उतना बड़ा है वो। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13,00,000 गुना बड़ा है। हमारी पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग ही मिलता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है हम उसे सूर्य का किरीट या करोना कहते हैं। करोना एक्स किरणें उत्सर्जित करता है। करोना का तापमान 27,00,000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य से प्रसारित होने वाले परावर्तित प्रकाश को एल्बिडो कहा जाता है। हमारी पृथ्वी का एल्बिडो 0.367 होता है। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज हमने इस सेशन में देखी है। तो मुझे लगता है कि आप ज़रूर इस वीडियो को पसंद करेंगे। और अब इस सेशन में आपसे मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।